Good morning, all of you. You are studying structure of atom, and uh, in my previous video, I have discussed about you, Rutherford experiment. Hmm. Uh, today's topic is Rutherford nuclear model of atom. On the basis of scattering experiment, Rutherford put forward nuclear model of atom. Alpha particle स्केटिंग एक्सपेरिमेंट uh, के पश्चात रदरफोर्ड ने जो नतीजा पाया उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसे मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडल आर रदरफोर्ड के जो मेन पॉइंट्स हैं मॉडल के वो दिए गए हैं जैसे मोस्ट ऑफ मास एंड ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस मतलब एटम uh, का जो टोटल मास होता है टोटल मास समाहित होता है निहित होता है किस में न्यूक्लियस में न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज़ कंपेयर टू साइज़ ऑफ एटम साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल न्यूक्लियस का साइज़ बहुत बहुत छोटा है अगर हम इसकी तुलना करें एज़ कम्पेयर विद द साइज़ ऑफ एटम अगर हम एटम के साइज़ से इसकी कल्पना करें तो इसका साइज क्या है बहुत छोटा है वही चीज लिखी है यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो है टेन टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर जबकि रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर जबकि एटम का जो साइज़ है उसका जो रेडियस है टेन टू दावर माइनस टेन मीटर है दूसरा पॉइंट उसके मॉडल का दूसरा पॉइंट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज़ ड्यू टू प्रोटोन न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके कारण होता है ड्यू टू प्रोटोन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब ये है कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनमें चार्ज क्या होता है अलग अलग होता है अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे उनमें चार्ज क्या होगा अलग अलग होगा थर्ड पॉइंट द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है सराउंड हुआ रहता है किससे इलेक्ट्रॉन से विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट वे एट वेरी हाई स्पीड जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत तेज तीव्र वेग से तीव्र गति से क्या करते हैं मूव करते हैं द इलेक् इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज बैलेंस बाय द सेंटीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स तो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है अट्रैक्शन का किस, किस के बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो बैलेंस होता है किसके द्वारा सेंटिफ्यूगल फोर्स के द्वारा सेंटर से लगने वाला जो फोर्स है सेंटर में क्या है सेंटर में न्यूक्लियस है है न उससे चौथा पॉइंट टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस सो दैट एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जितना नेगेटिव चार्ज होता है किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है किसके द्वारा न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियस में क्या है न्यूक्लियस में प्रोटॉन है प्रोटॉन में क्या होता है बच्चों प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो एटम जो होता है एज अ होल क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली एटम क्या होता है उदासीन होता है टोटल चार्ज जो है एटम में कुछ नहीं होता एटम में टोटल चार्ज कुछ भी नहीं होता ऐसा क्यों ऐसा इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और उतने ही प्रोटॉन होते हैं ये बात समझ में आ रही है यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी या प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक एलिमेंट के एटम में इसलिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज जो कि एक दूसरे को क्या कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं जिसके कारण एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उदासीन होता है समझ आ गया होगा फिफ्थ पॉइंट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम और एटम के अंदर जो है बहुत सारा भाग क्या है खोखला होता है खाली होता है तो आप कह सकते हो कि परमाणु परमाणु को हम एटम कहते हैं एटम इज क्या है एम टी आश्चर्यजनक रूप से एटम क्या है खोखला है न्यूक्लियर मेडल मॉडल ऑफ एटम कैन बी कंपेयर्ड विद द सोलर सिस्टम इसकी कल्पना जो है सोलर सिस्टम से की गई है इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द जस्ट सेम वे द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन जिस प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ठीक उसी प्रकार सन के चारों ओर सारे के सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं इसलिए इसकी कल तुलना जो है सोलर सिस्टम से की गई है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन आर समाइम कॉल्ड प्लेनेट्री इलेक्ट्रॉन इनको प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम ये ठीक हो गया आपको समझ में आ गया होगा अब हम आगे चल रहे हैं इसी में फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया था कुछ बातों को लेकर क्यों हुआ डिस्कार्डेड हो गया केमिस्ट्री के अंदर कुछ पॉइंट्स इसके जैसे क्या लिखा है देखिए रदरफोर्ड मॉडल फेल इन व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय मैक्सवेल मैक्सवेल ने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी दी थी उस थ्योरी के हिसाब से क्या है इसका मॉडल क्या हो गया फेल हो गया ये मैक्सवेल की थ्योरी क्या है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी चार्ज पार्टिकल वेन एक्सेलरेट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्सवेल का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि यदि कोई बॉडी वृताकार मार्ग में क्या करती है मूव करती है तो वह क्या करती है अपना अपनी ऊर्जा खोती रहती है एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन एमिट एनर्जी जो है एमिट करती है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन वुड भी स्टेट ऑफ एक्सलरेशन ऑल टाइम इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसको हमेशा क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन में होना चाहिए सिंस इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल आपको पता है इनमें नेगेटिव चार्ज है चार्ज पार्टिकल हुए ये देअर फोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट शुड बी कंटिन्यूसली एमिट रेडिएशन इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसको क्या करना चाहिए एनर्जी एमिट करनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट वुड स्लो डाउन एंड नो लॉन्गर एबल टू विद इट स्टैंड जिसके परिणाम स्वरूप एनर्जी लगातार इलेक्ट्रॉन खोता जाएगा तो खोता जाएगा इसकी ऊर्जा कम होगी कम होते होते ये क्या होगा इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और ये न्यूक्लियस में समा जाएगा इट विल बी कॉलेप्स ये जो है न्यूक्लियस के करीब करीब आएगा जैसे कि आप देख रहे हो ये मार्ग में न्यूक्लियस के करीब करीब आ जाएगा अल्टीमेटली इट विल बी कॉलेप्स इन द न्यूक्लियस यह जो है न्यूक्लियस में ही क्या हो जाएगा समा जाएगा कुछ पॉइंट और उसी में कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहां पर दिया गया है न्यूक्लियस एंड वुड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस मतलब कॉलेप्स हो जाएगा किसमें न्यूक्लियस में, में। बाय फॉलोइंग स्पाइरल पथ जो पथ आपको दिखाया गया था यहां पर ये इसके अनुसार जैसे ना ये रिवॉल्व कर रहा है वृताकार मार्ग में धीरे 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 ये अपनी एनर्जी खोता जाएगा इलेक्ट्रॉन खोता जाएगा खोता जाएगा और अल्टीमेटली करीब करीब आ जाएगा किसके न्यूक्लियस के क्यों आएगा करीब न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन में क्या है नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे करीब करीब आते आते आखिरकार यह किसमें समा जाएगा न्यूक्लियस में समा जाएगा, जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में समाता नहीं है कॉलेप्स नहीं होता है दिस मीन्स दैट एटम सुट कॉलेप्स बट एक्चुअली वी नो दैट एटम इज स्टेबल रदर फोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम हमें पता है कि एटम क्या होता है स्टेबल होता है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए रदर फोर्ड इसलिए ये ये पॉइंट उनका क्या है डिस्कार्ड हो गया रूल आउट हो गया अनदर ड्रॉबैक ऑफ रदर फोर्ड मॉडल इज दैट इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट देयर एनर्जी दूसरी कमी ये है रदर फूर्ड के मॉडल में कि यह जो है इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं न्यूक्लियस के चा चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे ये वितरित रहते हैं इस बारे में कोई सूचना नहीं देता और साथ में रदरफोर्ड का मॉडल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करता है ठीक हो रहा है अगला पॉइंट है रदरफोर्ड अनदर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज ये तो समझा दिए रदरफोर्ड मॉडल आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन डेफिनेट लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ डेफिनेट लाइंस आती हैं उस बात को भी रदर फूड नहीं समझा पाया अब रदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कुछ देर में या कुछ अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे इफ इलेक्ट्रॉन वर टू कंटिन्यूसली लूज एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा खोता रहेगा जैसा कि ऊपर बताया गया है द एटोमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वुड हैव बीन कंटिन्यूस इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा हो कंटिन्यूस होगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को फिर समझाते हैं पूरा टॉपिक ही है उस पर एक वीडियो बनेगा उसमें भी आ, आगे है वो कोर्स में आपके उसके बारे में फिर बात करते हैं अब है बच्चों छोटी सी जानकारी और दें हम आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई छोटा सा दिया गया है यहाँ पर हम भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे उतनी ही बात करेंगे जितना दिया है वी हैव सीन दैट मास ऑफ एन एटम इज मेटेड मेनली कॉन्सनट्रेट इन द न्यूक्लियस हमने देखा कि मास जो है न्यूक्लियस का किस में कॉन्सेंट्रेट रहता है न्यूक्लियस में रहता है द न्यूक्लियस कंटेन नॉट ओनली प्रोटोन बट ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड न्यू न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही नहीं होते हैं इसमें न्यू न्यूट्रॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 इनकी खोज जो है 1932 में चैडविक के द्वारा की गई कैसे की गई ही बॉम्बार्ड अथिन फॉइल ऑफ बेरिलियम उन्होंने बेरिलियम की बहुत पतली पत्ती ली उसमें बॉम्बार्डमेंट किया किसका एल्फा पार्टिकल का एल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करने पर बेरियम की पत्ती पर ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेज कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल वेयर प्रोड्यूस तो ये इसकी रिएक्शन है बेरिलियम पर हीलियम की बौछार की गई हीलियम की बौछार करने पर क्या हुआ न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ और कार्बन बना दीज न्यूट्रल पार्टिकल वर फाउंड टू हैव मास 1.675 टेन टू द पावर -27 केजी इनमें जो मास होता है वो इतना होता है एंड नेमड एज न्यूट्रॉन इनको न्यूट्रॉन नाम दिया गया अब इसकी डेफिनेशन फ्रॉम दिस डिस्कशन इट्स डेफिनेशन क्या है न्यूट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल एटम का ही सब एटमिक पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता इट हैव एनी चार्ज एंड हैविंग मास ऑफ 1.675 पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी इसमें मास जो है वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन ट्वेंटी सेवन के जी होता है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है इस ढंग से चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है ना बेरिलियम की पत्ती पर एल्फा पार्टिकल हीलियम को हम एल्फा पार्टिकल कहते हैं एल्फा पार्टिकल की बौछार करने पर क्या बना आपका कार्बन प्लस एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है आपका यहाँ पर ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है ट्रांसम्यूटेशन का मतलब बेरिलियम कन्वर्ट हो रहा है किसमें कार्बन में तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है केमिस्ट्री के अंदर है ना तो आप देख रहे हैं इस पर बौछार करने पर क्या निकला एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो इस ढंग से न्यूट्रॉन की खोज हुई अगली बात हम आपसे करें जैसे ये आपकी समरी है बच्चों ये समरी आप टेबल बना के अपनी कॉपी में बनाएं जैसे इलेक्ट्रॉन सिंबल क्या है ये सब ना ये सब रटने की जरूरत नहीं है आप थोड़ा सा इसको बना लेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने और पढ़ने में इसकी फोटो ले लें कैसी थोड़ा मेरा सेटअप डिस्टर्ब हो रहा है तो आप आज थोड़ा हिल रहा होगा तो आप इसके लिए सॉरी चाहता हूँ थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में